कहते तरावी की नमाज़ पहले नहीं हो रही थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमात के साथ तरावी चालू करा दी। उसके बाद कहा नेअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये बहुत अच्छी बिदअत है। नया कहा, बिदअत मतलब नई चीज़। तो देखिए यहाँ पे जो बिदअत का वर्ड है ये इस्तलाही माने में नहीं, नएपन लुग़वी माने में, नयापन के माने में, और यकीनन वो नई चीज़ थी लेकिन अच्छी है, नई है लेकिन अच्छी है। ये अच्छा कौन समझ रहा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं, इसके अच्छे होने का फैसला रसूल की तरफ से है। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़वाई, तीन दिन जो ज़ौक शौक देखा, तो अल्लाह के नबी को लगा कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, कहीं अल्लाह ताला फ़र्ज ना कर दे। तो अच्छे होने की सर्टिफिकेट कौन दिया था? अल्लाह के नबी ने। तो अगर किसी चीज़ की सर्टिफिकेट मिली है कि ये चीज़ अच्छी है, वो नहीं हो रही है, आप उसको चालू करा दो और कह दो कि अच्छी है। लेकिन जिसकी ताईद रसूल से नहीं है, अल्लाह से नहीं है, आप अपने मन से कह दो ये अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपको कैसे पता वो अच्छा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा अपनी तरफ से नहीं बोल रहे थे, वो नबी की तर्जुमानी कर रहे थे। यानी ये चीज़ अपने वजूद के एतबार से नहीं नहीं है, अपने ईजाद के एतबार से नहीं नहीं है, अमल के एतबार से नहीं थी। जैसे इस मस्जिद में मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, ये मस्जिद है, मान लीजिए यहाँ फजर की नमाज़ नहीं होती, बल्कि यहाँ तो जाने दो, कई जगह कुछ मस्जिदें हैं जहाँ फजर की नमाज़ नहीं होती, रास्तों में होती है, कंपनी में होती है, सब पढ़ के भाग जाते हैं, तो वहाँ फजर में कोई रहता ही नहीं। ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ फजर की जमात होती नहीं होती। फ़र्ज़ करो वहाँ अभी कोई नहीं रह रहा है, चार पाँच लोग रहने लगे, दो तीन दो हाथ रहने लगे, और फजर भी चालू हो गई, फजर की नमाज़ भी चालू हो गई, तो अब कोई जाके बोल दे कि ये नेमतिल बिदअत हाज़िही, ये कितनी अच्छी, ये नई चीज़ है और कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि ये नई चीज़ है अच्छी, तो ये नई चीज़ किस एतबार से? अमल के एतबार से, वजूद के एतबार से नया नहीं है, वो तो कुरान हदीस में मौजूद है नमाज़ पढ़ना फजर की, वो तो पहले से तय है, वो तो अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया कि वो अच्छा है, लेकिन यहाँ अमल में नया है, करने के हिसाब से नया है। तो बाजमात तरावी वो अल्लाह के नबी ने मंजूरी दे दिया, वो सिर्फ इस अंदेशे से रोक दिया था कि कहीं फर्द ना हो जाए, लेकिन उसकी खूबी की मंजूरी, उसकी अच्छाई की मंजूरी नबी ने दी है। तो अब जब नबी ससम चले गए तो अब वो कोई चीज़ फर्द तो हो नहीं सकती। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये चीज़ तो अच्छी थी, अब इसको चलाते चलाया उसको। तो ये वो बिदत नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं, ये पुरानी चीज़ थी, वही दीन की चीज़ थी, बस अमल के हिसाब से नहीं थी वो, इसलिए उमर फारूक ने कह दिया नहीं। तो बिदती क्या दलील लेता कि हम अपनी तरफ से बना दें अच्छी चीज़? अरे उमर फारूक ने जो नेमत कहा था, नेमतिल बिदअतु, अच्छा कहा था वो, अच्छा नबी की तर्जुमानी करते हुए कहा था, अपने मन से नहीं कहा था अच्छा है। और तू बिदती क्या कर रहा है? एक बिदती याद कर रहा, अपने मन से कर रहा है ये अच्छी है, तू फैसला कर रहा है कि अच्छा है, तू कौन होता है फैसला करने वाले कि अच्छा है?